अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एवरीवन। दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज 13 अगस्त 2020 जुमे रात का दिन है। आज सुप्रीम कमेटी ने अनाउंसमेंट कर दिया कि स्कूल जो हैं वो 1 नवंबर से ओपन होंगे। ओमान में जितने भी स्कूल्स हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूट जितने भी हैं, वो 1 नवंबर से ओपन होंगे। लेकिन 1 नवंबर से स्टूडेंट्स जो हैं वो अकेडमिक ईयर स्टार्ट करेंगे, यानी स्टूडेंट्स जो हैं वो 1 नवंबर से ज्वाइन करेंगे। इससे पहले जितने भी फैकल्टी मेंबर्स हैं और टीचर्स हैं वो 27 सितंबर से जो है ऑनवर्ड वो ड्यूटी पर जाना शुरू कर देंगे। 27 सितंबर, 27 सितंबर से जो है वो टीचर्स और देगर जितने भी जॉब्स हैं करते लोग मेंबर्स हैं स्कूल के, वो 27 सितंबर से जो है जाना शुरू कर देंगे। जबकि बच्चे जो हैं, स्टूडेंट्स जो हैं जितने भी, वो 1 नवंबर 2020 से जो है स्कूल जाना शुरू करेंगे। और उस 1 नवंबर 2020 से अगले 180 दिन जो हैं वो 2020-21 के अकेडमिक ईयर में काउंट किए जाएंगे इंशाल्लाह। खैर, जितने भी दोस्त अब आप बच्चे जिन्होंने स्कूल से ऑलमोस्ट उनको 5 महीने ऑलरेडी हो चुके हैं, 2-2.5 रहता है, 7-8 महीने जो है छुट्टियाँ जो है खूब इन्जॉय की होंगी। तो उम्मीद है ज़रूर आप लोगों ने घर पर स्टडी की होगी और बिल्कुल रेडी होंगे कि स्कूल जल्द से जल्द ओपन हो और दोबारा से जो है वो सिलसिला एजुकेशन जो है वो कंटिन्यू हो सके। सो हम दुआ करते हैं, आप सब लोग भी दुआ करें सबकी कामयाबी के लिए, सबकी भलाई के लिए। इसके बाद दूसरी खबर जो है वो सुल्तान हैथम बिन तारक, उन्होंने डॉक्टर आरफ अलवी साहब जो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं उनको विश किया है पाकिस्तान के इंडिपेंडेंस डे के हवाले से। कल 14 अगस्त 2020 अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो है आज़ादी का दिन है। आप सब लोग भी जो है वो नेक तमन्नाओं का इजहार करें, दुआ करें मुल्क की सलामती के लिए, मुल्क की तरक्की के लिए और हम सबकी भलाई के लिए, उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ करें। अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों और देकर जितने भी लोग हैं, देकर मज़ाहब के जो लोग हैं, हर कोई अपने अपने दायरा कार में रहते हुए जो है वो ज़रूर अल्लाह ताला उनको खुशहाल रखे और कामयाब करें इंशाल्लाह। खैर, और स्पेशली दुआ जो है मुसलमानों के लिए करते रहा करें। जितने भी मुसलमान कहीं पर भी किसी भी किस्म की मुश्किल का शिकार हैं, अल्लाह ताला उन तमाम भाइयों को जल्द जो है मुश्किल से निकाले, उनको कामयाब करे, उनको अपनी हिस्सों ईमान में रखे। और कोरोना के हवाले से, बीमारियों के हवाले से हमेशा जो है दुआ हर चीज़ के लिए करें और दिल खोल के करें। अल्लाह ताला से कुछ मांगना भी आए तो कुछ दिल खोल के मांगें, इतना मांगें ये नहीं कि मेरी ये ज़रूरत है पूरी हो जाए, ज़्यादा मांगें। देन शेयर इट, शेयरिंग इज़ केयरिंग। अगर आप सदका करेंगे आपका रिस्क और बढ़ेगा। सो हमेशा जो है ज़्यादा से ज़्यादा मांगें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा जो है बांटते रहें। रिस्क बांटने से बढ़ता है, ये अल्लाह ताला के साथ तजारत है। सो हमेशा जो है सदका करते रहें, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। हमारा ख्याल रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकअल्लाह, अल्लाह हाफिज़।